Assalamualaikum everyone, मैं हूँ आप सबकी मुजेंदर बाद शेख एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज बहुत टाइम के बाद मैं अपने घर जा रही हूँ रुकने के लिए, यानी कि वापस से मेरे मायका डेज आ चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट 2 महीना होने आ गया। मैं वहाँ पे बीच में आई थिंक गई थी कि नहीं गई थी, मुझे याद भी नहीं, शायद गई होगी, याद भी नहीं मुझे। ये पहले टाइम ऐसा हो, इतना गैप हो गया, मैं बीच में भी नहीं गई। तो अभी बस फिलहाल मैं जा रही हूँ वहाँ पर, और बहुत ज़रूरी होता है, एक मतलब अलग ही फील आता है वहाँ पे। हर एक लड़की के लिए है ये चीज़, जो भी वहाँ पे जाता है वो एक अलग ही चीज़ फील करता है। तो बस अभी निकलते हैं। मैंने सुबह से सारा काम कर लिया, लेकिन मैंने कोई क्लिप नहीं लिया क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना था। तो मैंने सोचा कि बस इंट्रो बनाने के टाइम पे क्लिप लेती हूँ, निकलने के टाइम पे क्लिप लेती हूँ। तो ये देखो, बहुत ही प्यारा सा सूट मैंने पहना है। मेरी मम्मी ने मेरे लिए अहमदाबाद से लेकर आया था, अनस्टिच था, मैंने स्टिच करके इसे पहना है। तो मैं आपको एक बार मिरर में दिखा लेती हूँ और मैं निकलती हूँ। चलो, ये देखिए, ये आउटफिट है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब कॉटन सूट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे सिंपल और सोबर सूट्स। तो बस चलो अब निकलते हैं। सो मेरी पैकिंग भी कल रात में ही मैंने कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट डे बहुत गड़बड़ी होती है। तो अभी बस निकलती हूँ मैं। और ये मैंने लिया है न्यू बैग, जो मेरी गौहर भाभी ने मुझे, याद है उनके बर्थडे पे, एक रिटर्न गिफ्ट में दिया था सबको, जो बैग दिए थे। तो ये वो बैग है, फाइनली मैं ले रही हूँ इसे आज। तो चलो अब निकलते हैं। तो शहजान मुझे ड्रॉप कर रहे हैं। आओ रख दो बैग। ये सब क्या लेकर आए? फ्रूट्स है, घर पे लेके जाओ। ये लो, ये तुम आगे रख दो। अरे बाप रे, चल। सो पहुंच गई हूँ मैं, और सोचा कि एक मिरर सेल्फी, अभी शहजान जा रहे हैं तो साथ में ही ले लेते हैं। वो है क्या? गंदा है मिरर। ठीक है चलो, तो थंबनेल इसी में ही ले ली। ये क्या है? यहाँ के लिए फ्रूट्स है ये? चलो जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखो। अल्लाह हाफिज़ तो बोल रहे हो? चलो अल्लाह। ये सब सामान है, और मैंने अफान को या मम्मी किसी को कॉल करके बोला है कि बाहर आ जाओ। अब फिर स्ट्रगल, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हैवी है। और ये भी है। आ गए, तो करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। अंशल आई थी मुझे लेने के लिए। अंशल, कैन यू लुक हियर? खोलो, खोलो। अच्छा, ये दरवाजा खुला था तो मैं आवाज दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इस कल से तुझे मैसेज किया, तूने अब तक उसको पढ़ा नहीं है? मतलब इतना बड़ा खिड़कीना है हमारे घर का, तू बोलती ना बड़ा खिड़कीड़ा, इतना खिड़कीड़ा। ये नहीं है जैद, वो मतलब ये नहीं, फोन नहीं उठाता टाइम पे, वो ये है। अच्छा, तो अपना वो है। नहीं मेरा ही है। अरे 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 अरे, जल्दी आ जा। आ रहेगा? हां, देख क्या ये, देख मुंशी, मैंने जाने क्या दिखाया जो है। तो उसने बोली कि ये जिगरी का डोला बनाओ, है ना? ही इज नॉट इवन लिसनिंग टू यू। बोले क्या, बोलती क्या पकाओ? तो मैंने क्या बोली, तू जिगरी का डोला। हाँ देख, अरे यूसुफ कैसा होता है देखो। बाकी सब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाती हूँ, मतलब बिरयानी बोलो, ये बोलो, वो बोलो। मेन क्या, वहाँ पे प्रॉन्स कोई नहीं खाता, फिश तो शेजान खाते। तो अल्लाह का शुक्र कि फिश, चिकन और मटन मैं खा लेती हूँ, लेकिन एक प्रॉन्स है जो मुझे बहुत नहीं मिलता, नहीं यही मिलता है। क्योंकि कैसा था, अकेले के लिए बनाने ना मजा नहीं आती, अकेले क्या। और हम लोग भी ज्यादा जल्दी नहीं बनाते, कोई आता है तो ही बनाते। जब ये, और जब मम्मी को खाना होता है उस दिन बनाती है। जब मम्मी मेरे से पूछेंगे ना कि क्या खाएगी, तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ, क्या मम्मी, आज तो एक और एक चीज है। जल्दी 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 अंदर, जी ने जो बैग दिया था। अरे वाह माशाल्लाह, देख अभी मुनशा ने के लिए दिया, अफान ने क्या बनाया, देख ये बनाया। हां सब रेडी कर अंदर, देख जल्दी से। मम्मी क्या गरम गर्मी है, अंदर से ऐसे चल। ये सब क्या है? वो कटिंग करके दो। वाओ अफान, माय फेवरेट यार, माय फेवरेट। ट्राई कर, थैंक्स अफान, खुद हाथ चला देगी। अच्छा थैंक यू, तू मेरे लिए इतना वीडियो ले दिया। चलो गाइस, बहुत भूख लग गई है, मैं एकदम खाने के टाइम पे आई। सो गाइस, ये मिर्ची फ्राई है, बहुत मजे की होती है। मम्मी सूरती डिश है ना ये, झींगे का डोला। सूरत का है ये, जो मम्मी ने वहीं से सीखे, सूरत से। लेकिन मम्मी के हाथ का भी खाना पकाने में कोई पकड़ नहीं सकता, क्या बोलते मम्मी? सही बात है। व्हाट इज दिस? टमाटर की चटनी है। And this is curry.
सो गाइज ये मैंने आनम के लिए ऑर्डर किया था बोलने से पहले थैंक यू. ये एक्चुअली इसका न्यू एक ड्रेसिंग टेबल आया है तो उसके ऊपर ये रखने के लिए. वो अनम के इसमें आप देखना वो एक प्रॉपर तोड़ दी और ये ऐसे ये मुझे पहले इसको अनम को लगा ये टैबलेट्स मम्मी के लिए रखने के लिए. लेकिन ये जो छोटी छोटी इयर रिंग्स जो यहाँ पे मिसप्लेस हो जाती है ना आपके ड्रॉर्स वगैरह में तो ये एक एक उसमें रखने के लिए. तो अभी इसको हम सेट करेंगे. इसका मैं आपको प्रॉपर पिक्चर या साइड में इमेज दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है ये. अब हम इसे थोड़ा सा असेंबल करते हैं और फिर लास्ट में दिखाते हैं. मैं दिखाती हूँ तुझे कैसा है. सो ये फाइनली असेंबल हो गया और ये कुछ ऐसा लग रहा है. एक सेकेंड, ये रहे इसके ड्रॉर्स. तीन ड्रॉर्स है और ये मिरर है और पीछे इयर रिंग्स लगा सकते हैं. और गाइस पीछे इसके सब जो भी है इसे अवॉइड करना क्योंकि ये अनपैक कर रही है सब. मिला मामू नाक धो के आया है कितना प्यारा लग रहा है. मम्मी क्या बो बांध है इसको. वो लोग वहाँ पर जाते हैं ना क्या बोलते हैं ग्रूमिंग के लिए तो वो लोग बना के देते हैं. चल मम्मी बहुत भूख लग रही है. तो हमारा खाना हो चुका है रेडी. झींगे का डोला, खिचड़ी, करेला, टमाटर की चटनी, पापड़, प्याज. ये मैं, ये मेरी नानी, ये मेरी मम्मी. अब हम बिस्मिल्ला करेंगे. मम्मी जज़ाकअल्लाह खैर, आपने मेरे लिए झींगे का डोला बनाया है. आई लव दिस डिश. आप लोग जरूर ट्राई करना गाइस. क्या नानी मम्मी क्या बोले. वो लोग कैसे ट्राई करेंगे उनको देना पड़ेगा था, तो ट्राई दे चुकी हूँ बहुत पहले. मैं प्रॉन रेसिपी चलो खुद बनाएंगे. हाँ, किसी ने बना के पूछ के बोला. मैंने क्यों ना, अरे मतलब किसी ने घर में ट्राई के बना के बोला. ओके गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से खाना वगैरह हो गया है. अब थोड़ा सा सो जाते हैं, नैप ले लेते हैं और फिर उसके बाद आपको मिलते हैं शाम में. देखते मम्मी के हाथ पे रखते के मेरे स्मेल कर रहे दोनों का. मामा मामा बहुत बुरा नहीं लगे किसी को भी मत रखो. देखो ये अब रखते हैं क्या आपके हाथ पे. दो मिलाया जा रहा है पीछे. बस हो गया, स्टोरेज फुल हो जाएगा मेरा, समझेगा. तो मुझे याद आया कि मून को व्लॉग करने के लिए रिकॉर्ड करनी होती है चीज़ें. शी इज़ प्रेइंग राइट नाउ, तो मैंने सोचा हम रिकॉर्ड कर लें. उसकी चाय इज़ हियर और बन मस्का इज़ हियर. प्लेट की चीज़ दूसरा इज़ आल्सो हियर. टी ब्रेक मस्का. नानी को दे दो. लो नानी मुंजरी का संभालो गर्म है. तो हम अब यहाँ बैठ कर पी रहे हैं चाय एंड बन मस्का और नज़ारे ले रहे हैं. मम्मी मैं तो सुबह से एक बात बोलना ही भूल गई. जैसे बाबा सिद्दीकी जी का सुने कैसा बुरा लग रहा है ना सुन के. जोर से मम्मी आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही. सही बात है, मतलब शॉकिंग था ना बहुत. हाँ आप लोग तो थे वहाँ पर ना, बहुत वेलकमिंग और मतलब ऐसे बस अभी उनके लिए दुआ करिए. बहुत मतलब एक नेचुरल डेथ होती है तो एक अलग वो रहता है, बट जो ये ऐसी डेथ हुई है ना तो बहुत मतलब ऐसे तो सब हंसी मजाक वगैरह तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन है ना एक अंदर से बैक ऑफ द माइंड बहुत वो अजीब सा फील हो रहा है कि कैसे ऐसे हो गया अचानक. मतलब बहुत अजीब भी लग रहा है और ऐसी वाली तो और अजीब लगती है. मतलब पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में. बस इतना मालूम है कि ये सब कयामत की निशानी है, ये सब आखिरत ही है जो दुनिया में सब हो रहा है. क्योंकि
जो लिखा है वही सब हो रहा है, खुलेआम जो कर रहे हैं तो ये तो बहुत गलत हो रहा है ना। इतनी छूट कैसे मिल रही है लोगों को सब करने के लिए, बहुत गलत हो रहा है। क्या बोल सकते हैं भाई, एक एक इंसान की आवाज से तो कुछ भी नहीं हो सकता, वैसे तो देखा जाए तो कुछ ही नहीं हो सकता, क्या पता है? वो एक बोलते ना एकता बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, बट अभी तक पता भी नहीं कौन था क्या है वो, तो अब जब उन लोग को पता चलेगा तो वो लोग एक्शन लेंगे, देखते क्या है। बस अभी फिलहाल हम लोग दुआ कर सकते हैं कि उनको जन्नत नसीब हो और उनके घर वालों को सब्र मिले। बस ये बारे में बात ही डिस्कस भी कर रहे हैं ना तो एकदम दिल भर जा रहा है, बहुत ज़्यादा। जैद भाई जन लोग सब जाने वाले उधर पे आज, उनका मतलब है बांद्रा में ना, क्या है बांद्रा से लेके टाउन बड़े कब्रिस्तान ले जा रहे हैं दफनाने के लिए, तो वहाँ पे लोग जाएंगे। शहजान भी जाकर आए उधर पे, लेकिन शायद शाम तक वहाँ पे नहीं वेट करेंगे सच में। वो जो जाने वाला रहता है वो तो चला जाता है, बट जो घर वाले रहते हैं ना वो बहुत बस अल्लाह उनको सबर दे सब लोग को। बस बस चलो मम्मी बाय, दिल एकदम सही में भर जाता है। हाँ अस्सलाम वालेकुम आंटी, आंटी देखो क्या लेके, कभी आंटी खाली हाथ नहीं आते, क्या लेके आंटी आज, आज आज नूरीज किचन में क्या है, बल्ली बनाई आज नूरीज किचन में, बल्ली आई है देखो, गरम है मत खाओ, गरम है थोड़ी मिरर में, नहीं परफेक्ट है शक्कर, नहीं ठंडी होगी ना बहुत अच्छी है, मशमेलन भी काट के लाया आंटी। सो गाइज अनम ने मेरे लिए परफ्यूम लाई है दुबई से, और दो ऑप्शन मेरे पास रखा है, बोला उसमें से एक चूज़ कर, तो मैं इसे ओपन करती हूँ, स्मेल करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो चूज़ करूँगी। सो लेट्स सी। सो गाइज मुझे ये वाला परफ्यूम अच्छा लगा और मैंने इसे डन कर दिया है, इट्स वेरी नाइस, मेरे टाइप की है, अच्छी स्वीट सी खुशबू है इसमें। सो थैंक यू अनम, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर, और अनम को ये दे दिया मैंने, दे दिया क्योंकि बहुत इसकी नज़र इस पर अटकी हुई थी, तो मैंने उसको ये खोल भी नहीं रहा था, पता है गाइस, क्योंकि ये इतना इसकी यहाँ पे नज़र अटकी थी, नहीं नहीं लेकिन नहीं अच्छा है ये, बहुत अच्छा सा स्वीट सा है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने तो इसको गिफ्ट मुझे ही करना, मतलब इसलिए मैंने पूछा, गिफ्ट टू मी ओनली, मम्मी नहीं लगाते। आउच सॉरी। सो हम जा रही है अभी ट्रायल्स के लिए, उसका कुछ हैं? फिर शायद हम रात में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेट। अनम का ड्रेसिंग टेबल सेट करना, अगर क्लिप कितनी अभी देखिए मैंने। वैसे तो मैं ऐसे क्यों खड़ी हूं? हां अच्छी लग रही है क्लिप। क्यूट है यार। चल ठीक है। ओके बाय अनम, टेक केयर। आगे करते हैं। या अल्लाह हाफिज़। कल रात जवान है। अरे 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 चलो अल्लाह हाफिज़। जैद भी आएगा शायद। चल अल्लाह हाफिज़। काम नहीं हो पाएगा हमारा। हो जाएगा सब। चल हम सब यहाँ पर बैठकर ये लाइव देख रहे थे जहाँ पर बाबा सिद्दीकी जी की जनाजे की नमाज हो रही थी, और मतलब सब कुछ न्यूज़ में दिखा रहा था, बहुत बहुत दुख हुआ है, सच कहूँ तो इतना दुख हुआ है। और बस ये याद आ रहा है कि फ़लस्तीन में भी कितने लोग गुजर गए, कितने लोगों को तकलीफ़ हुई है, उनके घर वालों को तकलीफ़, मतलब उनके लिए तो अब तक हम दुआ करते और इंशाल्लाह करते रहेंगे, बस यही है कि कब ये सारी तकलीफ़ें ख़त्म होगी अल्लाह ही बेहतर जाने, बस अल्लाह से यही दुआ कर सकते कि उनके घर वालों को सब्र मिले और बस ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। मतलब अच्छा रहने में मुझे नहीं समझना था लोगों को क्या होता है, बस अल्लाह से दुआ कर सकते कि सबको हिदायत मिले इंशाल्लाह। बस ये देखकर हम लोग सब घर में लिटरली मतलब हम सबके आंखों में आंसू आ गया था, मतलब उनके बच्चे, उनमें जो उनको तकलीफ़ से वो लोग गुजर रहे थे, उनके घर वाले, वही सोच सोच के बहुत अलग ही फील हो रहा था, बहुत मतलब
एक अलग दिल में बोलते हैं ना, एक दुख एक लेकर हम सब बैठे ही थे, और ये जब लाइव देखा तो और हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। लेकिन बस यही है कि दुआ ही कर सकते हैं, बस अल्लाह उनकी मगफिरत करे और जन्नत में आला मुकाम नसीब करे, और जो भी गुजर गए उन सबको अल्लाह जन्नत नसीब करे। सो गाइज, अफ़ान आ चुका है फुटबॉल खेलकर और उसने प्रॉमिस किया था मुझे कि वो बनाने वाला है पास्ता। आज हम लोग का डिनर पास्ता ही है। सो अभी हम डाल रहे हैं पास्ता टू बॉइल, लेट्स सी कैसा बनता है। पूरा डाल दिया अच्छा, डिनर है ना, डिनर है ना, राइट ओके। अभी छोड़ दिया ना, अब इसके बाद रुकना है ना अपने को, नमक डालना है और शायद से ऑयल डालना, लेकिन अभी बॉयल किए तक रुकना है ना थोड़ा सा। ठीक है चलो, मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। यहाँ पे चिकन भी फ्राई कर दिया है साइड में, और अब क्या करने वाले हो? गार्लिक डालने वाला है पानी। गैस लो है क्या? चलते चलते अच्छा क्या किया पूरा छीटे छीटे तेल के पूरे सो एक्साइटेड। अब हम डाल रहे हैं बेल पेपर्स। अब व्हाट नेक्स्ट सामान? अब इसमें चिकन डालना है। चिकन श्रेड करना है ना उसको, लेकिन चिकन को तो कट करूँगा। कट करेगा, श्रेड नहीं करेगा। श्रेड करना है इसे, मतलब मोटे मोटे पीस मत रखना, छोटे छोटे। और आपकी एज क्या है फन? 14। सोचो 14 इयर्स में बच्चा बना रहा है इटालियन पास्ता। अस्ता ला बिस्ता। अब व्हाट्स नेक्स्ट? अब मैं बंद करूँ कैमरा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा पके तक। पास्ता भी हो चुका है बॉईल, एंड देखो उसका, अरे बाप रे अभी भी गर्म ही है, पानी भी निकल के अस्ता नीचे अभी निकाला है। चिकन भी हो चुका है, पता है मुझे चिकन बंदी है। अच्छा छोटा छोटा पीस कट करना, हेल्प करूँ मैं? मत करो, मैं कट कर दूँ। आई थिंक यू अ शार्प नाइफ, बिस्मिल्लाह। योर बैक गाइस, नाइफ धो के आ गए हम लोग, एंड सच में छुरी तेज नहीं है तो कट कर लेगा बराबर, और चिकन बहुत गर्म है तो इसमें भी छोटा छोटा कर दूँ। मज़ा आ गया, बहुत मस्त गर्म है। सो मैंने चिकन कट कर लिया है ऐसे छोटे छोटे पीसेस में। अब अफान पास्ता सॉस यहाँ पे बना रहा है जिसमें उसने पास्ता बॉईल किया था। सो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं पहले बटर। वाह वाह, अपन हाथ दिखा रहा अपना, एक मिनट रुक गया बोलियो, इसे डाल दिया। गाइज, अफ़ान ने मैदा बहुत ऐड कर लिया था, इतना नहीं करते, बट वो बेचारा बना रहा था इसलिए मैंने उसे नहीं बोला, बट बाद में मैंने इसे निकाल दिया था। तो अब हम डालेंगे ओरिगानो। अरे देखा, हवा देखो, वो चिली फ्लेक्स तो डालो मम्मी। वैसे चिली फ्लेक्स ये तो बहुत बेस्ट लगता है ना, खत्म भी कर दी इसमें चिली फ्लेक्स। वैसे चिली फ्लेक्स क्या दी ना मैंने बॉटल, तो खोलेगा कौन? एक हाथ में मेरा कैमरा है मम्मी। What's wrong with you, mummy? Huh? 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 Hmm? 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 क्या बाप रे, क्या भाई, पूरा एक लीटर दूध डाल दिया लोग ने पास्ता। मम्मी की लगेगा दूध, आप ये कर लीजिए, हम जा रहे हैं, नमाज पढ़ के पूरा ब्लर हो गया, जब तक हम आते हैं मिलते हैं एक ब्रेक के बाद अपन। बाय, चलो मम्मी बाय, मम्मी बाय। हमारी ब्रोकली भी आ चुकी है और अभी हम पहले से बॉईल करेंगे मम्मी, फिर से स्टर फ्राई करेंगे। ओके ओके, जुल्फे हटा के जरा मम्मी बोलो सही कुछ। मम्मी बात कर, मम्मी ना मम्मी, नानी कुछ बुला रहे, बोल नानी कुछ बुला रहे। हाँ नानी कुछ बुला रहे, मिले थे मेरी नानी, देखो ये बने हुए क्या बोलते अपना जेम्स बॉन्ड। ये सब पानी निकल जाता, लो नाइस, क्या डालो, बाहर जरा गिर गया मिट्टी के चलते। अभी ये चिकन और वेजीज पास अपन उस तरह से डालेगा ना। हाँ बाप रे,
वो मम्मी ने किया, अफान का काम है, मम्मी ने किया। अबे मम्मी ने चुपका दिया तुझे। वाओ यम्मी। चलो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आई थिंक ये छोटा तो नहीं हो गया, छोटा है बट चल जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कर लूँगा अफान। मुझे तुझे तुझे देख कर बहुत डर लग रहा है। हाँ डर लगने दो, दे दे मैं। अरे मुँह नहीं, मैं अच्छे से करती हूँ, रुक जाए। वो मैं कुछ अलग कर रहा था मैं नहीं, लेकिन डर लग रहा है। एक वो होता है यू नो, मम्मी की गलती से कुछ कुछ होता है, तू नहीं समझेगा कुछ कुछ। सो अफान अब फाइनली मेरे लिए पास्ता लेकर आ रहा है। दिखा शक्ल इसकी, फ्लैश में दिखाती हूँ एक मिनट। वाओ यमी 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 यमी, माशाल्लाह देखकर ये बहुत मज़ा आ रहा है इसको। तो चलो मेरा रिव्यू ले लो आप। बहुत गर्म है, हम टेस्ट करते हैं, सच बताऊँगी आप बहुत गर्म। डर लग रहा है खाने में। नहीं नानी, मैं अब भी गर्म करके आई ना। हमने चीज़ बाद में डाले इसमें और इसको माइक्रोवेव में गर्म किए और वो मेल्ट हुई, क्योंकि अफान को चीज़ नहीं पसंद है तो हम लोगों ने उसमें नहीं डाला है। पसंद है बस पास्ता में नहीं पसंद। यम्मी वाला अफान, थैंक यू, बहुत यम्मी है सच्ची में, गुड वर्क। ओके अब मैं इंजॉय करती हूँ, खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। सो मिलते हैं आप लोग को खाने के बाद। सो गाइस हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने और हमें ज्वाइन करी है अनम ने। हम पंखा बंद कर देंगे, बहुत आवाज करता है। अरे इतना क्यों, नई दुल्हन की तरह शर्मा रही है। अरे वापस मैं हॉरर हॉरर गाइस, मैंने देखो अनम के लिए क्लिप लाई थी, कितनी क्यूट लग रही है ना। चुई चुई मम्मी, कुछ बोलना चाहोगे? क्या कुछ बोलना चाहोगे मम्मी? अद्भुत उदास दिन है, सही बोल रहे। तो बच्चे नानी नानी अभी बाइक पे जाने वाले, बाइक चला के देखो। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही गाइस। सो हम निकल चुके हैं, लेकिन इतना 11 बजने के बावजूद भी इतनी ट्रैफिक है। 11, 12 बज गए। अच्छा 12 बज गए, डैम, फिर भी और ट्रैफिक है। वही तो, 12 बजने के बावजूद भी बोल। सो यहाँ पर लोखंडवाला में ये ऐसे कुल्फी लेकर खड़े रहते हैं, ट्रक लेके, क्या बोलते स्वामी, कुल्फी वाले। मुंबई की मशीन कुल्फी बोलते। वापस एक बार ना, तो हम ऐसे गाड़ी में बैठे बैठे हम लोग का ना जो खाया डांडा था, चार मलाई कुल्फियाँ, तुझे अनम याद है, खाया डांडा में कुल्फी वाला आता था, तो मैं बताती हूँ कैसे बोलता था वो, ठीक है सुन। सुन कुल्फी ले लो, कुल्फी ऐसा नहीं, कुल्फी ये था। एक सेकंड एक सेकंड, ये ले ये ले, उसको लग रहा है मम्मी मम्मी स्कैनर स्कैनर जन्म कुल्फी, चल खा लेते। ओके बाय। चलो गाइस अभी हम अपनी कुल्फी को एंजॉय करते हैं। मम्मी अच्छी है, थैंक्स यार। हम आ चुके हैं घर गाइस। ओके गाइस तो हम घर आ चुके हैं और अब मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और हम सबको दुआ में याद रखिए, खास करके मेरे ससुर को और बाबा सिद्दीकी जी को भी रखना और सभी को दुआ में याद रखना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।